हिमाचल बिजली बोर्ड के इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में सोमवार को प्रदेश भर में ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन हुए। बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बिजली बोर्ड के पेंशनर भी शामिल हुए। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए, साथ ही 81 आउटसोर्स चालकों की सेवाएं भी जारी रखी जाएं। इसके अलावा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जाए। क्या कहना है हिमाचल बिजली बोर्ड इंजीनियर और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा का, सुनिए। अगर बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग होती है, हमारी सर्विस कंडीशन और पेंशन तो प्रभावित होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कंज्यूमर्स है उसके टैरिफ में कई गुना वृद्धि होगी, क्योंकि आपका ट्रांसमिशन चार्जेस बढ़ेंगे, बाहर जो जिसको देंगे वो बिलिंग चार्जेस लेगा, जनरेशन जो पावर हाउस आपके बाहर जाएंगे उस पर भी वो चार्जेस लेगा, मतलब PPA उनके साथ जो होंगे महंगी दरों पर होंगे, जो आज 1.5 रुपये या 1 रुपये के हिसाब से। तो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये ना तो कर्मचारियों के हित में, ना पेंशनर के हित में, ना जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके हित में। बात भी बहुत हो चुकी है, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो क्या एक ही रास्ता यही है? देखो, आप यहाँ से, आप राज्य सरकार की गंभीरता यहाँ से देख सकते हैं। हमने 28 के बाद सब कमेटी की बैठक करी और उसमें वार्ता करी, लेकिन सब कमेटी का जो एटीट्यूड था, वार्ता का एटीट्यूड था, इन मुद्दों पे जो उसका रवैया था वो सकारात्मक नहीं था। और उसके बाद हमने बड़ा समय दिया प्रदेश सरकार को इस मुद्दे के रिड्रेसल करे। हमने कोई बड़ा फौरी तौर पर कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था, पहले तो हमने यही कहा था जो वार्ता हुई कि आप इमीडिएटली जो आपने दो ऑर्डर किए हैं वो आपका आउटसोर्स के ड्राइवर का है या आपका दूसरा आपका जो पोस्ट एवलिशी है उनको कैप्टन OPS किया जाए, पहले तो हमारा ही था, बाकी OPS है, रिस्ट्रक्चरिंग है, इसके बाद में आपसे वार्ता करेंगे। लेकिन इमीडिएटली जो आपके आप देखिए 31 को इनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, पहली को घर जाएंगे, तो इस पर हमने कहा था एटलीस्ट इस पर तो सरकार करे। अगर सरकार कुछ कर नहीं सकती है तो एक महीना तो कर सकते हैं, दिवाली को तो आगे ले जा सकते हैं, इस बीच में वार्ता करके इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ी, ये बड़ी दुख की बात है। इन तमाम चीज़ों को देख करके जो कर्मचारी पेंशनर्स हमारे बीच में, उनको लग रहा है कि सरकार का नजरिया बिजली बोर्ड और बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशन के प्रति ठीक नहीं है, इस करके जो आक्रोश है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। इस बीच जॉइंट फ्रंट ने दीपावली महोत्सव को देखते हुए आंदोलन कुछ दिन के लिए टाल दिया है और सरकार को 15 दिन का और समय दिया गया है। अगर इस बीच सरकार इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं करती तो फ्रंट एक बड़े ऐलान का टूल डाउन और पेन डाउन की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी रूपरेखा दिवाली के बाद अधिसूचित कर दी जाएगी। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर नूरपुर, यहां उपलब्ध है 24 घंटे 7 दिन सभी प्रकार की MRI की सुविधा। केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड में मिलेगी सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड की सुविधा सस्ते दाम पर। गर्भवती महिलाओं का 3D 4D लेवल 2 NT NB अल्ट्रासाउंड और पित्ते व गुर्दे की पथरी की जाँच की सुविधा भी उपलब्ध। सिविल हॉस्पिटल नूरपुर के सामने केयर इमेजिंग अल्ट्रासाउंड एंड MRI स्कैन सेंटर। मोबाइल नंबर 6230256349 या 8894003349।
हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।